हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया हो गए यार। सो आज की अपनी वीडियो रहेगी कि अपने स्कॉर्पियो में ना एंड्रॉइड ऑटो वर्क करता है तो इसमें यूट्यूब वीडियो कैसे प्ले करें, क्योंकि देखो जो मेन रीज़न होता है ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन चेंज कराने का वो होता है भाई बंदों का कि उन्हें यूट्यूब प्ले करना पड़ता है। सो आज अपन बताएंगे आपको कि एंड्रॉइड ऑटो में आप कैसे यूट्यूब प्ले कर सकते हो, और ये चीज़ केवल एंड्रॉइड ऑटो के साथ वर्क करेगी, एप्पल कारप्ले के साथ नहीं वर्क करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की स्कॉर्पियो की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। तो पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपनी गाड़ी को करते हैं ऑन। और अभी मेरी गाड़ी एक दिन में थोड़ी सी एक काम है, इसका जो वो है ना ग्लो प्लग वो चेंज करवाने के लिए जाएंगे। एक बार इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑन हो जाने दो, फिर आपको बताते हैं। और ये प्रोसेस के लिए भी अगेन आपको सेम ओरिजिनल डेटा केबल लगेगी। एक बार सेम ओरिजिनल डेटा केबल लगेगी जैसे कि अपनी सैमसंग की है, और ये एप्पल कारप्ले के साथ वर्क नहीं करेगी ये चीज़। सो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको मैं दिखा दूं, पहले तो आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। मोबाइल पे ना एंड्रॉयड ऑटो जो आपने डाउनलोड कर रखा था उसके लिए जाना है। सैमसंग के मोबाइल में आपको सब सेटिंग्स में जाकर एडवांस फीचर में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा। यही अगर आपका दूसरा फ़ोन होगा तो आपको होम स्क्रीन में मिल जाएगा एंड्रॉयड ऑटो का एप्लीकेशन। एंड्रॉयड ऑटो में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, और ये वर्जन का ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको चार बार टैप करना है। आप जैसे वर्जन में ना चार बार टैप करोगे तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। ये डेवलपर सेटिंग्स को आपको क्या बोलते हैं ऑन कर देना है। यहाँ से जैसे आपने डेवलपर सेटिंग्स ऑन किया, आपको इसके स्क्रीन के सबसे नीचे जाना है, और ये जो अननोन सोर्स है इस पर आपको टैप कर देना है। ये टिक रहना चाहिए अननोन सोर्स, इसका मतलब ये होगा ना कि आप एंड्रॉइड ऑटो में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको क्रोम खोलना है, और क्रोम में डाउनलोड करना है AA स्टोर। उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च में AA स्टोर लिख दोगे आप तो AA स्टोर की एक वेबसाइट खुलेगी। यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। ये हमने AA स्टोर ओपन कर दिया है। ये डिपेंड करेगा जल्दी खुलेगा कि अगर आपको इंटरनेट कैसा है, तो उसमें एक सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर आ रहा होगा कारट्यूब। अगर आपको ये कारट्यूब यहाँ से आकर इंस्टॉल करना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो ये कारट्यूब आपके ना एप्पल कारप्ले की स्क्रीन में शो करेगा, मतलब एंड्रॉइड ऑटो की स्क्रीन में शो करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लिया ये सब, फिर अब अगेन अगला प्रोसेस है कि आपको अपने मोबाइल को एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करना है। एक बार मैं अपना मोबाइल यहाँ से कनेक्ट कर दूँ और आप यहाँ स्क्रीन पर देखना, हमने अपना मोबाइल एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्रॉइड ऑटो का अपना ऑप्शन ग्लो कर गया। उसके बाद क्या करेंगे, एंड्रॉइड ऑटो की होम स्क्रीन पे आएंगे। अब जैसे आप देखोगे हमारे एंड्रॉइड ऑटो की होम स्क्रीन आ चुकी है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये है कारट्यूब का ऑप्शन, जो कि आप यूट्यूब समझ लो। आपको जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी सर्च कर रखा था ट्रैवल इन स्कॉर्पियो, वरना आप जैसे यहाँ पर सर्च पे जाओगे ना तो सर्च पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप कीबोर्ड करोगे तो आपके मोबाइल में भी कीबोर्ड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रैवल विद स्कॉर्पियो। जैसे हम यहाँ पर ट्रैवल विद स्कॉर्पियो लिख के सर्च करेंगे, ये देखो आप हमारी वीडियो आ चुकी है यहाँ पर, और आप YouTube आप देखो, जैसे कि मैं रोहतांग पास वाली अपनी वीडियो प्ले करता हूँ यहाँ पर, ये जो चीज़ है ना फ्रेंड, आपके मोबाइल का जो डेटा है उसकी क्या स्पीड है उसके ऊपर मेन डिपेंड करता है। एपिसोड में आगरा से मनाली का सफर, तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारी मोबाइल की स्पीड आ रही है ना जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से यूट्यूब की क्वालिटी आ रही है। आप इसको वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हो, ये देखो। सो हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हो यूट्यूब प्ले हो रहा है एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू, और इसमें कोई भी एंड्रॉइड सिस्टम नहीं लगा है, बस इसमें एंड्रॉइड ऑटो का एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, जिससे हमारी गाड़ी में ना एंड्रॉयड के साथ साथ यूट्यूब भी प्ले हो रहा है। तो ये सारे फीचर जो होते हैं ना बढ़िया से, अब आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की एक मैं आपको लिमिटेशन बता दूँ ना, कि आप जब आपकी गाड़ी दूसरे गियर पे होगी तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी आपके सेफ्टी के लिए। आप ये सोचो कि चलती गाड़ी में भी यूट्यूब में देख लूँ वीडियो, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये आपके सेफ्टी के लिए ही है। और ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चलती गाड़ी में वीडियो देखो, बस ये है कि आपको बिना अपने एंड्रॉयड क्या बोलते हैं कंपनी के स्टॉक स्टीरियो चेंज करवाए बिना भी आप यूट्यूब प्ले कर सकते हो एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू, पर ये चीज़ एप्पल कारप्ले के साथ वर्क नहीं करेगी। सो आप सोचो कि एप्पल कारप्ले में भी ऑप्शन नहीं, ये केवल एंड्रॉइड ऑटो में वर्क करेगी आपका कारट्यूब, जिससे आप यूट्यूब प्ले कर सको। एक बार अगेन आप देख सकते हो हमारी वीडियो आ रही है, जैसे मेरे अलॉय व्हील्स वाली ही वीडियो आप ले लो, इसको मैं आगे सीख करूँ तो आप ये देख सकते हो बहुत परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है यूट्यूब। बस ये है कि अगर आपके जो मोबाइल की स्पीड आ रही होगी ना
वही स्पीड के हिसाब से अपने आप क्वालिटी सेट करेगा, आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते हो। सो अगर आप जैसे गाड़ी में खड़े हो या फिर आप बोर हो रहे हो पार्किंग में, तो आप ये प्ले कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जैसे गाड़ी चलाना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ म्यूज़िक प्ले होने लगेगा और वीडियो बंद हो जाएगी। वही सेम इससे ये रहता है, आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि ऐसे तो कंपनी के स्टॉक स्टीरियो में भी आप वीडियो प्ले कर सकते हो, उसमें और इसमें बस ये अंतर है कि आप उसमें यूट्यूब चला रहे हैं, आपको कोई वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे आपको फिर बार बार पेन ड्राइव डाल डाल के वीडियो चलानी पड़ेगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए कि आप एंड्रॉइड ऑटो में ना कैसे यूट्यूब वीडियो प्ले कर सकते हो और यूट्यूब चला सकते हो। सो इतना ही था आज की इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो वीडियो।